नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज हमारी रसोई में बन रहा है मूली का इंस्टेंट अचार। तो मैंने ये 3 मीडियम साइज के मूली लिए थे, उसे अच्छी तरह धोकर पील ऑफ करके इस तरह कट किए हुए हैं। इसका पानी मैंने पोंछ लिया हुआ है। और इसमें मैं मसाले यूज करने वाली हूँ, 2 बड़ा चम्मच सरसों और 2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी, 1 छोटे चम्मच से थोड़ा कम ही है, 2 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और 8 से 10 गोल मिर्च है। यहाँ मैंने लिया हुआ है हींग और ये कुछ मसाले यूज़ करूँगी मैं। तो सबसे पहले हमें इस गर्म हुए पैन में सरसों को रोस्ट कर लेना है। इसे टाइम लगता है सरसों को रोस्ट होने में, इसीलिए पहले इसे मैं 1 मिनट रोस्ट कर लेती हूँ लो फ्लेम पे। सरसों को 1 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें हम ये बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे और इन्हें भी 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। हमें इन मसालों का कलर नहीं चेंज होने देना है। इसमें एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी है, गैस बंद करूंगी और इसे इस प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। अब वापस से इस पैन में मैं करीब 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करूंगी। इस तेल को ना हमें अच्छी तरह गर्म करना है, तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और यहाँ ये मसाला ठंडा हो चुका है तो इसे मिक्सर की जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। तेल से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है तो मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख लिया है। अब इसमें हमें डालना है इस मूली को। मूली को भी हमें पकाना नहीं है, इसका ये जो कच्चापन है बस वो निकल जाए, इतना ही पका लेना है। इसे आधे मिनट भून लिया है मैंने मूली को। अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अपना जो मिर्च होता है वो मिक्स है। और साथ ही साथ ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। मसाले में ना हींग डाले तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे भी हमें बस आधे मिनट के लिए ही मिक्स कर लेना है। तो इस मूली को मैंने टोटल 1 मिनट तक यहाँ पे भून लिया हुआ है इस तेल में। आधे मिनट पहले मूली को भूना था और आधा मिनट मैंने नमक हल्दी और मिर्च डाल के भूना है। अब इसमें हमें ऐड करना है ये जो हमारा मसाला था, ये देखिए मैंने पीस लिया हुआ है, दरदरा ही है, इसे ऐड कर लेते हैं। इन मसालों को भी हमें बस आधा मिनट ही भूनना है। हो चुका है आधा मिनट। अब इसमें फाइनली हम ऐड करेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा हमें अपने उसके हिसाब से ज्यादा ही रखना है। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये हमारा मूली का इंस्टेंट अचार तैयार है। मैं गैस बंद करूंगी और आप चाहें तो आपको ज्यादा तेल चाहिए तो इसमें वापस से आप तड़का पैन में तेल गरम करके ऊपर से डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा ही पसंद है इसीलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। अब इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसे एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके पहले मैं इसमें 1 छोटा चम्मच खटाई भी ऐड कर लेती हूँ, मैं डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं अभी डाल देती हूँ, पैन गर्म ही है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो नींबू का रस या विनेगर यूज कर सकते हैं।
अचार हमारा ठंडा हो चुका है, चलिए इसे इस जार पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बस ये हमारा मूली का इंस्टेंट अचार अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे महीनों तक इस तरह स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरे इस सिंपल से मूली के इंस्टेंट अचार की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।